बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की दिलदारी कई बार साबित हो चुकी है। सलमान की दोस्ती, उनकी अच्छाई के किस्से तो हम अक्सर सुनते आए हैं। वह लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाल ही में सलमान ने अपना एक वादा पूरा किया। उन्होंने 9 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे से मिलकर अपने नन्हे फैंस को खुश कर दिया है। सलमान खान से 9 साल के फैंस की मुलाकात हुई। बच्चे का नाम जगनवीर है। उसने कीमोथेरेपी के 9 राउंड के बाद कैंसर को हरा दिया। साल 2018 में मुंबई में सलमान खान की जगनवीर से पहली मुलाकात टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हुई थी। तब जगनवीर केवल 4 साल के थे। ट्यूमर के लिए उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। तब सलमान ने जगनवीर से वादा किया था कि कैंसर से जंग जीतने के बाद मैं आपसे जरूर मिलूंगा। जगनवीर पिछले साल कैंसर मुक्त हो गए थे। अपने वादे को याद रखते हुए सलमान ने जगनवीर को अपने बांद्रा स्थित घर पर बुलाया और अपना वादा पूरा किया। एक इंटरव्यू में जगनवीर की मां सुखवीर कौर ने कहा, जगनवीर जब 3 साल के थे तो उनके दिमाग में एक ट्यूमर हो गया था। उसकी आंखों की रोशनी जाने लगी। इस कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए दिल्ली के डॉक्टर ने मुंबई में इलाज कराने की सलाह दी। पिता पुष्पिंदर जगन को मुंबई ले आए। एक दिन जब जगन अस्पताल में थे तब एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें उन्होंने सलमान खान से मिलने की इच्छा जताई। ये वीडियो सलमान तक पहुंच गया। तब सलमान अस्पताल आए और जगन से मिले। सलमान ने उनसे ये भी कहा कि कैंसर से जंग जीतने के बाद वे दोबारा मिलेंगे। अब वही जगन ठीक हो गया है। उनकी 99% दृष्टि भी ठीक हो गई है और वे अब स्कूल जाने लगा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।